17 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री किरण खेर ने भारतीय जवानों की एक फोटो पोस्ट की, जिसके बाद वो फेक पिक्चर अब लोगों के निशाने पर आ गई है, जिसे लेकर लोग उन्हें भला बुरा कह रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी फर्जी अफवाह फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। आपको बता दें कि किरण खेर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आर्मी के जवानों की एक फोटो पोस्ट की। इस फोटो पर लिखा था कि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट और सलाम। तस्वीर में दो आर्मी जवान दिख रहे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। किरण खेर का ये ट्वीट देख लोग उन्हें ट्रोल करने लगे। दरअसल जो तस्वीर किरण खेर ने भारतीय आर्मी की बताकर पोस्ट की है, वो रूस के आर्मी जवानों की है। ये तस्वीर कुछ समय पहले इंटरनेट पर खूब वायरल भी हुई थी। रशियन आर्मी के जवानों की ये तस्वीर सबसे पहले साल 2013 में पोस्ट की गई थी, जिसके बाद लोगों ने किरण खेर को इस तरह से फर्जी फोटो शेयर करने पर आड़े हाथों लिया और लिखा कि एक सांसद होने के नाते आपको कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। वहीं कुछ लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी में आने के लिए फेक खबरें और तस्वीरें शेयर करना जरूरी है क्या। कुछ यूजर्स कमेंट में उनको लिख रहे हैं कि हम अपने जवानों पर गर्व करते हैं, लेकिन उनकी इज्जत नहीं कर सकते जो उन्हें पहचान ही ना पाए। बहुत से यूजर्स ने उन्हें याद भी दिलाया कि ये तस्वीर कहाँ की है और वो जवान भारतीय जवान नहीं है। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने भी इस फोटो को ट्वीट किया है, जिसके बाद श्रद्धा कपूर को भी उनके इस ट्वीट के लिए ट्रोल किया जा रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।